नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नाम और गाने में दर्शाए सीन पर सनातन महापंचायत ने आपत्ति जताई है। पंचायत का कहना है कि पठान हमारे लिए अहमद शाह अफदाली, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी वाला है और भगवा रंग पर दर्शाया गाना हमारी सनातन सभ्यता पर सीधा आक्रमण है। वहीं शाहरुख खान के वैष्णो देवी जाने पर सनातन महापंचायत के मुख्य संरक्षक राघवेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि शाहरुख खान ने मां वैष्णो देवी जाकर नौटंकी की है। श्राद्ध महापंचायत ने साफ कर दिया है कि जब तक फिल्म में दर्शाए गए दृश्यों को बदला नहीं जाएगा तो मध्य प्रदेश में वे इस फिल्म को लगने नहीं देंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। पठान फिल्म को लेकर सनातन पंचायत किस प्रकार से विरोध कर रही है? पठान फिल्म पर गहरी आपत्ति है, उसके नाम पर आपत्ति है, उसमें दिखाए गए बेशर्म रंग जो इस्तेमाल किया है गाने में शब्द, उस पर आपत्ति है, उस गाने पर, और उस गाने में अश्लीलता की जो पराकाष्ठा पार की है टुकड़े टुकड़े गैंग की दीपिका पादुकोण ने, उस पर आपत्ति है। ये जो शाहरुख खान है ये माई नेम इज खान के आगे का सीक्वेंस है पठान, और पठान का मतलब हमारे लिए, क्योंकि नैरेटिव सेट करने वाले लोगों की तरफ से टुकड़े टुकड़े गैंग अवार्ड वापसी गैंग की तरफ से ये फिल्म आई है, इसलिए हमारे लिए ये जो पठान है ये पठान है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, वो वाले पठान हैं, और सनातन पर सीधा सीधा आक्रमण है, हमारी परंपराओं पर। भगवा रंग को बेशर्म रंग कह रहे हैं और एक स्त्री को भगवा में अश्लीलता की पराकाष्ठा पार करते हुए दिखा रहे हैं भारतीय नारी को। यह है इसकी सच्चाई और इस नैरेटिव को हम सेट नहीं होने देंगे, इसका विरोध दम भर के विरोध करेंगे। भोपाल में तो ये फिल्म इस हाल में प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। तो शाहरुख खान तो वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गए थे। शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, इस विषय को मैं आपको स्पष्टता समझाता हूँ। एक इस्लाम में एक हदीस है अल बुखारी, उसका एक शब्द है अल तकिया, जो आपको इस्लाम में अनुमति देता है कि आप जो है दीन के लिए और कौम के लिए झूठ भी बोल सकते हो, आप जो है नौटंकीबाजी भी कर सकते हो, बहरुपियागिरी भी कर सकते हो। तो ये माता वैष्णो देवी के नाम का जो इसने दुरुपयोग किया शाहरुख खान ने, ये वही नौटंकीपन था, वही बहरुपियापन था। असल कहानी 4 दिन बाद निकल के आ गई कि वो बेशर्म रंग भगवा, बेशर्म रंग, और वो माई नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट के आगे की कहानी है पठान, ये समझ लीजिए। इसीलिए ये विरोध है। हम झांसे में आने वाला सनातनी समाज है नहीं, अब सब समझ गया है बॉलीवुड की असलियत। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।